और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, छात्रा पर एसिड अटैक करने वाला अरेस्ट हो चुका है पुलिस में। आरोपी आशु को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। जयसिंह मऊ गांव के पास मुठभेड़ हुई। स्कूल जाते वक्त छात्रा पर एसिड फेंका था। मेडिकल कॉलेज में छात्रा का इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, एसिड अटैक करने वाला छात्रा पर अरेस्ट हो चुका है। जयसिंह मऊ गांव के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारुण थाना क्षेत्र में ही जंगल जयसिंह मऊ के पास में पुलिस टीम ने अभियुक्त को घेर लिया। उसे सरेंडर करने के लिए बोला तो अभियुक्त ने सरेंडर ना करके पुलिस टीम पर फायर कर दिया। फायरिंग में हमारे एक हेड कांस्टेबल घायल हुए। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली मजरूह को भी लगी और मजरूह भी घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। घटना क्यों हुई के मोटिव के संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केबी, बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, एसिड अटैक वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आरोपी के बारे में अब तक पुलिस को लगी है? देखिए, जो आरोपी आशु है वो छात्रा के गांव का रहने वाला है और आज सुबह जब छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में ही इसने कुछ ज्वलनशील पदार्थ के चेहरे पर फेंक दिया था, जिसके बाद वो घायल हो गई थी। उसको तत्काल जो है सीएससी इटानु भर्ती कराया गया। उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज दर्शन का रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने कॉम्बिंग करके जो आरोपी आशु है उसको जयसिंहपुर गांव के पास एक जंगल है उसको वहां घेर लिया। लेकिन आरोपी यह है कि उसने भी फायरिंग की। उसके बाद दवाई फायरिंग में पुलिस की गोली थी, उसके पैर में गोली लगी और एक कांस्टेबल भी हुआ जिसका इलाज में इलाज चल रहा। तो कुछ जिस तरह से ये सरकार एंटी रोमियो जो मिशन चला रही है उसको देखते हुए पुलिस काफी सतर्क है। जनपद में ऐसे कई सौदे हैं जो जेल जा चुके हैं। ऐसे में छात्रा जो को जो मंचला था वो मंचला जो है छात्रा के चेहरे पर कुछ जुर्मदार छोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और कॉम्बिंग करने के बाद तुरंत उसको जो कुछ ही घंटों में पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया है। पैर में उसको गोली लगी है, एक कांस्टेबल भी घायल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जालौन में कंटेनर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। देखते ही देखते कंटेनर में रखे बोरे जल गए। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। एच कोतवाली क्षेत्र के NH-27 टूल प्लाजा के पास ही आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के कारण कैसे धू धू करके ये ट्रक जला है देख सकते हैं आप। बदायूं में जानलेवा हमला और मर्डर के आरोपी 8 साल से फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साल 1997 में दातागंज कोतवाली गुटों के बीच फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2014 में पैरोल पर छूटने के बाद वो जेल वापस नहीं लौटकर फरार हो गया। वो राजस्थान, दिल्ली और बरेली में अपना नाम बदलकर रहने लग गया था। पुलिस ने उसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू प्रेमी के साथ 7 फेरे लिए। इफ्रा ने प्रेम की खातिर धर्म बदला और इफ्रा के परिजनों ने उसे नाबालिग बताकर आकाश मौर्य पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को बालिग मानते हुए रिहा किया। इसके बाद इफ्रा अपने पति के साथ चली गई। फिर आपको क्या कैसी इच्छा हुई आपको हिंदू? परिजनों ने नाबालिग बताकर केस किया था, कोर्ट ने बालिग मानकर रिहा कर दिया। इस्लामी